जिन जरूरतमंदों के राशन कार्ड नहीं है उनके कार्ड बनवाओ, इलाज के लिए किसी को भटकना ना पड़े। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच, इलाज व दवाओं की व्यवस्था है। यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसके उच्च स्तरीय इलाज में सरकारी आर्थिक सहायता के लिए एस्टिमेट की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। सरकार जन कल्याण के संकल्प की बुनियाद पर खड़ी है, इसलिए जन कल्याण के कार्यों में कोताही किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। जन समस्याओं का निस्तारण शीघ्रता से और संतुष्टि परक होना चाहिए, ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर में आहूत जनता दर्शन के दौरान अलग अलग तरह की फरियाद सुनने के बाद अधिकारियों को दिए। मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब ढाई घंटे फरियादियों के बीच बिताए। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे, बड़े इत्मीनान से उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि हर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 1000 लोगों की फरियाद सुनी, इसमें बड़ी संख्या महिलाओं खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की रही। अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला ने सीएम योगी से अपने खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर रोजगार दिलाने की गुहार की, साथ ही बताया कि उसके पास राशन कार्ड भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने उसे आश्वस्त किया कि राशन कार्ड भी बनेगा और काम की भी व्यवस्था कराई जाएगी। इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही निर्देशित भी किया। एक अन्य अल्पसंख्यक महिला ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की फरियाद की। सीएम ने उसे भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकने पाएगा, अस्पताल का एस्टीमेट मिलते ही धन उपलब्ध करा दिया जाएगा। कुछ फरियादियों ने जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने या मकान निर्माण में बाधा डालने की शिकायत की। इस पर सीएम योगी के तेवर सख्त हो गए। उन्होंने पुलिस अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों को करारा सबक सिखाया जाए। कोई अपनी भूमि पर निर्माण करा रहा है तो बेवजह बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने हर फरियादी को यह भरोसा दिया कि उनके रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी सभी समस्याओं का निस्तारण करना सरकार की प्राथमिकता है। जनता दर्शन में अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को दुलारते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें चॉकलेट दिया, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। एक बच्चे ने स्कूल न जाने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी माता को समझाते हुए कहा कि बेहतर भविष्य के लिए बच्चे को स्कूल अवश्य भेजिए। अरे बैठ जाओ अपने लिए। क्या बात है? कहाँ पे? तिवाड़ीपुर में देखें, क्यों नहीं उनका मकान बनने दे रहे? आप बताएं। गोरखनाथ थाना क्षेत्र का कौन ने गाली, कौन गाली दे रहा है? पता है आपके क्या हो गया है? कहीं डॉक्टर को दिखाया? किसी डॉक्टर को एक बार दिखा के एस्टिमेट बनाओ। आपका कार्ड नहीं बना है आसमान, उसको एक बार चेक करो, नहीं तो सहयोग करो। बताएं कब से? 28 तारीख से। ये देखो गायब हो गया, इसको देखो। आप बताएं। ठीक है, जरूर महाराज जी के। ठीक है, आप बताएं। हैं? कहाँ पे? संत कबीर नगर में। जमीन आपकी है? इसको संत कबीर नगर में दो भाई। डेढ़ जी साहब को क्यों नहीं आप सुनाई हो रही? पता है क्या बात है? फीस तो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? उसमें जो है बच्चों को उसको चेक करेंगे। घबराओ मत, हो जाएगा। स्कूल देती रहे कौन क्लास में पढ़ते हैं? काहे का घर का मेरा कब्जा कर रही है। देखो खोराबार थाना क्षेत्र में। आप बताएं क्या बात? ससुर के पानी का लड़की है, वो हमको बार बार धमकी देते हैं, हमारा माटी में कब्जा कर लिए हैं, घर बनाने। बैठ के समाधान करो जी। आपको कुछ पेंशन वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। क्या करना है बताइए? कोई ठीक है
आप बताइए। सर आप हमारा काम करके जरूर जरूर हमारे पास राशन कार्ड है। राशन कार्ड भी नहीं है, घबरा मत, राशन कार्ड दे। घबरा स्कूल जाते रे, ओ स्कूल जाते हो का है, स्कूल भेजो उसको, फ्री में स्कूल में सब व्यवस्था फ्री में है। बताइए क्या बात है। तो हॉस्पिटल में फ्री में वहाँ पे सब जांच फ्री में होती तो क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाते, जिला अस्पताल में जाओ ना, सारी सुविधा वहाँ फ्री में है। और नहीं होता तो बताना, तुम बताए क्या बात है।